Good morning to all the viewers of Mike Hill, and wishing you all a very bright morning ahead. Today, we indeed have a very special guest who can only make our morning get better and brighter. Often in the world of sports and even in other walks of life, we would definitely would have come across a set of maybe a pair of great siblings together, or maybe a set of three siblings who have done great things together, but hardly have we found, maybe come across a set of six amazing sisters, you know, doing great stuff all at the same time. The Fogel sister, as they are popularly known in the modern folklore, have not only revolutionized female wrestling in Haryana and India, but they have also been responsible for letting the Indian, young Indian girls and women to think much beyond. Today we have with us one of the Fogel sisters here in the show, and additionally she also happens to be the proud wife of none less than Bajrang Punia. Punia, of course, won the bronze medal for us in the last edition of the Olympics in Tokyo. He had also won gold medals in Asian Games and Commonwealth Games. Also had been a multiple medalist at World Championships. Thank you so much for coming in, Sangeeta Fogel. Thank you so much. आपने आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए. Thank you so much. आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल. Fine, I'm fine. Sure. आपसे तो बहुत सारे ढेर सारे बात करना ही है, लेकिन जैसे कि अभी ओलंपिक्स सीजन है, तो आपके बहन द फेमस विनेश फोगट वहां सबके लिए लड़ने वाले हैं कुछ ही दिनों में रेसलिंग पे. तो स्टार्ट ऑफ विथ कुछ स्पेशल मैसेज हो जाए विनेश के लिए, और विल डेफिनेटली सी दैट वो मैसेज पेरिस तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे. बिल्कुल, विनेश को ही नहीं, जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई. और मतलब हम यहाँ से दुआ करेंगे कि वो देश के लिए मेडल लेके आए और अच्छा करे, बेहतर प्रदर्शन करे सभी. और विनेश को स्पेशली, क्योंकि वो इस मतलब उसके हमने 1.5-2 साल इतना मतलब स्ट्रगल किया हर चीज के लिए, तो हमने वो चीज देखी है कि उसने कैसे वो उसने कम बैक किया है रेसलिंग में. उसको इंजरी हो गई थी, उसने उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके 4-5 मंथ के बाद उसने मैं ट्रेनिंग स्टार्ट किया और उसके बाद वो ट्रायल्स दिया. और क्योंकि वो 53 में खेलती है, रिप्रेजेंट करती थी हमेशा इंडिया से, 4-5 साल से इंडिया को 53 में वेट करती थी, तो उसका मैक्सिमम वेट 57 और 58 नॉर्मल रहता था. लेकिन ये होता है कि रेसलिंग में कि अगर आपने 53 में कोटा हासिल कर लिया, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो आप उस वेट में इंडिया को रिप्रेजेंट दोबारा नहीं कर सकते. तो उसके लिए उसने वेट कम किया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 50 kg में उसने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को ओलंपिक्स के लिए कोटा दिलाया. और उसने इतनी मेहनत की और उसको मैं स्पेशली बधाई देना चाहती हूँ. और हम उम्मीद करते हैं कि वो देश के लिए मेडल और पदक जीते और बेहतर करें. श्योर, क्यों नहीं. हम सब वही दुआ मांगेंगे उनके लिए, नॉट ओनली उनके लिए बट बाकी सारे एथलीट्स के लिए जी, भी. जी बिल्कुल सभी. यस यस, ये मतलब मेरा ओपिनियन है, मे बी मेरे को लगता है ये जो कंटिंजेंट है ओवरऑल एथलीट्स इंडिया से सबसे स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट है. जैसे कि रेसलिंग में ऑफकोर्स हम लोग बजरंग पुनिया और रवि कुमार को मिस करेंगे, ओवरऑल आप देखेंगे तो फीमेल रेसलर्स और मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट गया है. बॉक्सिंग में भी आप देखेंगे तो निखत जरीन, लवलीना और बाकी सारे लोग काफी स्ट्रॉन्ग है बॉक्सिंग में भी. बैडमिंटन में तो हम लोग स्ट्रॉन्ग है, ये डबल्स का बात कर रही है, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एथलेटिक्स में एवरग्रीन, नीरज चोपड़ा, उसके बाद जैसे कि 4x400 meters भी वर्ल्ड क्लास अपना रनर्स है, अविनाश सावले ये है, मतलब उस हिसाब से शूटर्स है, आर्चर्स है. अब की बार हाँ, मेरे को हमें लगता है कि हमें शूटर से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि मुझे लगता है कि अब की बार, पर्सनली मेरा ओपिनियन है मुझे नहीं, लेकिन कि अब की बार हमारे शूटर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे पेरिस में. श्योर. तो आपको क्या लगता है इस बार अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस होने वाला है ओलंपिक्स में? या बिल्कुल, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि देखो सभी अच्छा कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उससे काफी लोग और ज्यादा उत्साह से और ज्यादा मेडल्स के लिए ज्यादा
अब लोगों में वो लगता है, पहले ये सोचते थे, पहले तो मैं बताती हूँ कि 10 से 15 साल पहले ये लगता था कि ओलंपिक्स में जाना ही एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम ओलंपिक्स में जा रहे हैं, लेकिन आज हमारे एथलीट उस मेडल के लिए और वो भी गोल्ड के लिए सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हर हर ओलंपिक से हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और ये पेरिस ओलंपिक हमारे लिए बेहतर रहेगा। यस आप ये आपने बहुत सही बात छेड़ी कि अपने जो एथलीट्स है उनका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया। पहले क्या था, हाँ हम लोग बिल्कुल पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग हाँ अगर मेडल नहीं जीते तो फिर पब्लिक थोड़ा हाँ क्यों क्यों नहीं जीते, जितना चाहिए था। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव बिल्कुल साइन एक्चुअली, जैसे कि पहले अपना एक्सपेक्टेशन भी लो था, हाँ ठीक है चले गए ओलंपिक्स, या हाँ, बिल्कुल लेकिन अभी जी जो है ऐसा है कि पब्लिक का भी मतलब ऐसा ओपिनियन है, माइंडसेट हो गया कि जीतना है, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन या आपने जैसे कहा। फिलहाल आप और बाकी आपके जो बहनें उनके बारे में ऑब्वियसली बात करना ही, एक सारी बात करते हैं हम जी फोगट सिस्टर्स बोल रहे हैं हम लोग जी जी से जैसे कि जो ऑब्वियसली हम लोगों को सबको मालूम है, आपके पिताजी महावीर सिंह फोगट जी जो है वो पहले ओलंपिक लेवल कोच रह चुके हैं और काफी जी मतलब रेस्पेक्टेबल कोच है, और स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने जो किया है जितना भी बोल कम है। लेकिन जी आप जो बचपन आप लोगों का गुजरे हैं, तो आपको क्या लगता है जो ऑब्वियसली वो तो थे ही आप लोगों को उत्साह देने के बिल्कुल लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो 6 बहने थे, ये जी एक जुनून जैसा भी था कि कुछ अलग करना, कुछ अलग सोचना, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल अपार्ट फ्रॉम योर फादर इंस्पायरिंग यू, कैसा था? या इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फोगट जी जिन्होंने वो सिस्टम आप लोग के वहां पे इनबिल्ट किया, इनिशियली जो हेजिटेशन जी था मे भी नहीं करना है पापा इतना स्ट्रिक्ट है, जी लेकिन और या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 बहने जो थे उनके अंदर वो इनबिल्ट सिस्टम ऑलरेडी था कि हम लोगों को कुछ अलग करना है। जी देखिए बचपन में कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता है कि इतना स्ट्रोंग होगा, इतना असेबल होगा उस चीज को कि वो समझे कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या बनना है। और वो तो मतलब बचपन में यही होता है कि चलो ठीक है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इंडिया उस में तो वही है टाइम पे कुछ समझ ही नहीं होती कि ना बच्चों को कि जो देख लिया वही बनने का। लेकिन यहाँ पे मतलब बचपन से मेरे फादर ने हम बहनों को स्ट्रोंग बनाया है, हर चीज से लड़ना सिखाया है और गलत को गलत बोलना सिखाया है, और लड़कों से फाइट भी वो इसीलिए करवाते थे कि ताकि ये लड़कों से अपने आप को कम ना समझे। तो वो माइंडसेट भी ऐसा था कि अगर हम यहाँ लड़कों से लड़ सकते हैं तो हम दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं ना, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को, और वैसे भी लड़के फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं, वैसे भी स्ट्रोंग होते हैं, तो बचपन से उनके साथ ही ट्रेनिंग देना, उनके साथ ही वो चीज सिखाना, तो वो बिल्कुल बिल्ड हुआ है। और आज फिर जैसे जैसे हम जूनियर से सीनियर्स में जाने लगे, फिर वो सोच बनने लगे कि नहीं देश के लिए मेडल जीतना है, और लोगों से जब हम देश बाहर कंट्री से जब मेडल जीत के आते थे तो इतना मान सम्मान मिलता था, तो वो देख के बहुत खुशी होती थी, बहुत प्राउड फील होता था। कि तब ये लगता था कि सिर्फ हम अपने फैमिली के लिए मेडल नहीं जीत रहे, हम उस कंट्री के लिए, उन देश के लोगों के लिए मेडल जीत रहे हैं, और इतने लोग जो हमें जानते भी नहीं है वो लोग हमारे लिए प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं कि इसका मेडल आना चाहिए, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड की बात है, और हमें भी बहुत प्राउड होता है और बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता है। श्योर श्योर आपका एक स्पेशल बाउट है जो आपने व्हेन यू वर विथ दिल्ली सुल्तान्स राइट प्रो जी लीग का बात कर रहा हूँ, जी जिसमें आपने तब की वर्ल्ड चैंपियन जो है वनीसा जी कलटजिंस्काया उनको हराया था जी 7-4 4 से। जी वो एक बहुत ही आपके लिए मतलब आई एम श्योर मेमोरेबल बाउट था, तब की वर्ल्ड या बिल्कुल चैंपियन आपने हराया। जी थोड़ा आप बताएंगे वो बाउट के बारे में, क्या मेंटेलिटी से आप वो बाउट के अंदर गए जब व्हेन यू एंटर्ड द अरेना? ऑब्वियसली आपका एक माइंडसेट ऑब्वियसली मतलब काफी जी वैसा था, तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताएंगे। बिल्कुल क्योंकि जब मैं मतलब सीनियर में मैंने शायद मेरा मेरा पहला ही कंपटीशन होगा जो मैंने लीग में सीनियर्स के लड़कियों के साथ मैंने कंपटीशन लड़ा था। तो एक मैं बोलना चाहूंगी कि रेसलिंग में अगर हमारी रेसलिंग अगर अप हुई है इंडिया की, तो वो सिर्फ एक प्रो रेसलिंग लीग की वजह से हुई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था मतलब पहले कि हमें मतलब जो चैंपियन खिलाड़ी थे उनके साथ बाउट करने का मौका ही नहीं मिलता था, ताकि उससे पहले हम इंडियंस लूज कर जाते थे, हार जाते थे, तो उससे एक हमें वो एक हौसला मिला है कि
एक डर रहता था कि पता नहीं चैंपियन है तो कैसा होगा, कितना डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ पे वो एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे जब हम एक साथ खेले हैं तो उससे बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत, और बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि खेलने के लिए, ना कि बस कुछ मतलब 19-20 का ही फर्क होता है टेक्निक का या स्पीड का, बाकी सभी मतलब कोई भी चैंपियन बन सकता है, हम उनको वहां तक अचीव कर सकते हैं। तो उसला यही था कि जब बहनों को देखा था वहां पे लड़ते हुए, और स्पेशली तो फील जब होता था कि जब इतना क्राउड होता था हमारे इंडियंस का, जब वो चिल्लाते थे तो वहां से और ज्यादा मोटिवेट मिलता था, क्योंकि जब अदर कंट्री में जाते तो इतना स्पोर्ट्स करने के लिए लोग बहुत कम होते हैं ना, तो वहां तो बहुत लिमिटेड ही लोग होते हैं, और लेकिन जब हम वहां पे जब उसमें एंट्री करते थे तब तक इतना ये होता था कि प्राउड फील होता था, और इतने लोग बोलते थे तो इतना इतना बस खुद को यही था कि बेहतर करना और अच्छा करना है, मोटिव। और हार जीत तो मतलब जब मैट पे जाते तब सोचते ही नहीं कि अपना 100% देना है, और जब मैं उसके साथ मेरा बाउट चल रहा था तो मेरे को 1% भी ये नहीं था कि मैं इससे हार जाऊंगी या वर्ल्ड चैंपियन है। मुझे मुझे उस दिन लगा कि मैं किसी के साथ भी फाइट कर सकती हूँ या किसी को वाह भी मैं हरा सकती वाह हूँ। ग्रेट ग्रेट, वही चैम्पियन माइंडसेट उसको जी जी बोलते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो जो यूपी दंगल के तरफ से लड़ रहे थे राइट, एंड आई जी थिंक वो मेरी सिस्टर, वो हाँ सिस्टर की करेक्ट, टीम दिनेश में थी। दिनेश वहां जी पे थी हाँ जी, विनेश राइट, और गीता उसी टीम में थी। तो फिर उनका रिएक्शन कैसा था? बिकॉज एक तरफ उनका बहन मतलब उस तरफ, और इस हाँ जी, तरफ देखिए उनका देख पुत्र। अच्छी टीम तो देखिए कोई भी हो, लेकिन एक जो सिस्टर का बॉन्ड है, जब हमने साथ में रेसलिंग की है तो कहीं ना कहीं अपनापन आता ही है, तो वो ऑफकोर्स बिल्कुल मेरे को सपोर्ट कर रही थी कि नहीं अच्छा ही किया। बाउट के बाद भी वो मेरे को मतलब बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया, और शाबाशी दी कि मतलब बहुत कम देते हैं मेरी सिस्टर है वैसे, लेकिन उन्होंने उस टाइम बहुत मतलब मोटिवेट किया और बहुत शाबाशी दी। ओके श्योर। जी अभी वो थोड़ा मूवी की तरफ जाते हैं, दंगल मूवी जो कि हम लोग सबने देखे, मतलब जी मैंने खुद ही 2 बार देखा एक्चुअली, इतना सही था। और आमिर खान ने जी जो आपके पिताजी का किरदार निभाया, बहुत 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 सही था, मतलब सब लोग ही बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं नहीं लेकिन मैं बिकॉज यू विल ऑब्वियसली नो मच बेटर देन एनीबडी एल्स, आपके खुद के पिताजी है, तो फिर जो आमिर खान ने जी किरदार निभाया एक स्ट्रिक्ट वैसा महावीर सिंह फोगट जी का, वो सही में उतना स्ट्रिक्ट है या मतलब उतना भी नहीं है जितना दिखाया गया है? मैं मतलब स्टिक तो बहुत है फादर, और बेसिकली वो मतलब हार्ड मतलब बच्चों के लिए वो भी है कि एक अंदर वो प्यार भी है, लेकिन उन्होंने कभी दिखाया नहीं अपनी साइड से, क्योंकि करेक्ट ट्रेनिंग पे वो बहुत सख्त होते थे। अगर मतलब अभी हमें बताती है मम्मा, जैसे पहले तो बताया मम्मी ने भी जब साथ नहीं दिया कि वो पापा की साइड थी, अच्छा, तो कि हाँ ओके जी, तो कभी कभी उनको बुरा भी फील होता था कि अभी आप मूवी में मतलब मार पिटाई तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप गांव में अगर जाओगे तो बहुत पूछोगे तो लोगों से ना, गाँव के लोग हमें छुटाने आते थे कि नहीं बच्ची है इतना मत मारो इतना मत पीटो। हाँ तो बहुत मार पड़ी है ट्रेनिंग के लिए ना, और पापा की ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। मुझे नहीं लगता कि कोई कोई अगर अगर हमारे पास भागने का ऑप्शन होता तो हम भाग जाते, इतना मतलब इतनी मेहनत, थैंकफुली आपने इतना नहीं भागा हमारे पास ऑप्शन हमारे नहीं था ना, लिए घर में ये खड़ा था, घर में ही कोच ऑप्शन थे। हाँ ही नहीं। जी, और मम्मी भी उनकी साइड थी, कोई साइड लेने वाला नहीं था, तो लेकिन उस टाइम भी लगता था कि क्यों करो ना, मम्मी को बोलते थे क्यों करवा रहे इतनी मेहनत, इतनी मेहनत कौन करता है। बेसिकली जब हॉलीडे होता था तो लोग अपने मामा के घर जाते थे, मौसी के घर जाते थे, हम कहीं नहीं जाते थे, हमारा कोई हॉलीडे नहीं होता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी, हर साल ऐसे ट्रेनिंग में निकल जाता था, कोई वेकेशन कोई टूर कुछ नहीं होता था। पर मेरे फादर एक बात हमेशा बोलते थे, कभी भी हम अगर रिक्वेस्ट करते थे कि पापा हमें घूमने जाना है, क्योंकि बच्चे थे सभी बच्चों को देखते थे तो मन करता था, तो पापा एक बात हमेशा बोलते थे कि अपने पाँव पे होगे ना, अगर अच्छा नाम कमाओगे ना तो पूरी दुनिया घूम लोगे अपने आप, किसी की जरूरत नहीं है। वो बहुत तो हाँ जी, वो बोलते थे कि यही टाइम है कुछ करने का कुछ दिखाने का, तो बस उसी सोच के साथ लगे हुए थे। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि मतलब कितने माँ बाप कितना ठीक करता अपने बच्चों के लिए, कितना उस टाइम पे हमें लगता कि नहीं अच्छा नहीं कर रहे पापा, हम बोलते भी होंगे कि पापा अच्छा नहीं है मम्मी अच्छी नहीं है, लेकिन आज वो फील होता है कि जो भी कुछ है हम सिर्फ अपने फादर की वजह से हैं, अगर वो
हम इतना स्पोर्ट नहीं करते या इतने, क्योंकि वहां पे हमारे गांव में बिल्कुल भी रेसलिंग का कोई स्कोप नहीं, ट्रू वहां यार, पे लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहन सकती। आज भी अगर आप हमारे गांव में जाओगे तो लड़कियां सूट सलवार पहनती हैं, जींस, मतलब अभी तो थोड़े बहुत ट्राउजर या जींस पहनने लगी, लेकिन अदरवाइज पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। उस टाइम पे अगर हम सोच के देखें कि हम शॉर्ट्स पहनते थे, हेयर हमारे छोटे थे और हम लड़कों के साथ रेसलिंग करते थे, तो वेरी डिफिकल्ट था बहुत ज्यादा। तो अब सोचते हैं कि मतलब मेरे पापा ने कितना वो लोगों का सुना होगा, और वो हमारे तक आज भी नहीं आने दी कि उन्होंने मतलब बिल्कुल आंख बंद करके हमारी ट्रेनिंग करवाई है, किसी की नहीं सुनना, मतलब कि सपोर्ट करना हर को। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है और मतलब प्राउड फील होता है। ट्रू ट्रू, मतलब ये तो अब की बात नहीं, तब की बात है। अभी तो फिर भी आप लोग जी देख के बाकी लोग भी आगे हैं, कितने फीमेल्स जी रेसलर्स आगे हैं ऑलरेडी हरियाणा में। तब की बात है जब जी की मतलब खेलने की बात दूर की है, बाहर भी नहीं जा रहे थे, और तब बिल्कुल उन्होंने वो माइंडसेट से आप लोगों को बाहर वैसे रेसलिंग खुद मतलब सिखाया, मतलब मानना पड़ेगा जी सीरियसली, इज जस्ट बिल्कुल अमेजिंग सीरियसली। एक थोड़ा सीरियस टॉपिक में आते हैं, जैसे कि हम सब जी लोगों को पता है हाँ हाल जी ही में जो हुआ है, जी फोगट सिस्टर्स, उसके बाद बजरंग पुनिया से लेके जी साक्षी मलिक, सब जो जी टॉप लेवल रेसलर्स थे उन्होंने अपना जी टाइम निकाल के सैक्रिफाइस करके वो जो क्या आप जी लोगों जी ने रेसलिंग फेडरेशन किया, आपको क्या लगता है? मतलब जैसे कि ऑब्वियसली एक जब कुछ स्टार्ट करते हैं आज नहीं तो कल कुछ होता है, जी या बहुत कभी कभी टाइम लगता है या कभी कभी एकदम जल्दी मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है वो कौन से स्टेज में हैं आप लोग, जो जो मकसद से आपने वहां पे जो गोल से वो किया था वो कितना दूर तक पहुंचा? ऑब्वियसली आई एम श्योर 100% वहां तक तो जल्दी मिलना मुश्किल देखिए, है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि देखिए हमने अपनी हर नाम हर हर चीज दाव पे लगा के हमने वो चीज स्टार्ट की, और अभी भी वो चल रही है। ये नहीं कि अगर हम वहां पे नहीं बैठे तो वो लड़ाई खत्म हो गई है, या सिर्फ दिखाने के लिए हम वो लड़ रहे थे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो लड़ाई अभी भी कोर्ट में चल रही है, अभी भी हम उस चीज से जुड़े हुए हैं उस, क्योंकि जो वकील ने हम अभी हम कानूनी तरीके से चल रहे हैं ना, जो हमारी वकील सलाह कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने, आई थिंक 3 महीने पहले, उन्होंने उस पे सारे केस वो चार्ज 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 हो गए कि वो दोषी है। तो अभी भी वो कानून चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि देखिए, अगर अगर हमारे पास सब कुछ था, भगवान ने ना सब कुछ दिया, हमें नाम दिया, पैसा दिया, और अच्छे खिलाड़ी भी बने हैं, तो हमें मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स के लिए कर रहे थे, नहीं ये अध्यक्ष फेडरेशन में बनना चाहते थे। अरे भाई, अगर बनना ही होता तो मतलब इतना बजरंग का या विनेश का या साक्षी का इतना तो नाम है, अगर आप किसी भी पार्टी से टिकट लोगे तो इजीली मिल जाएगा ना। तो इतने मतलब कि इस हद तक गिर के हम मतलब कि कुछ हमें नहीं, ना कुछ हमें बनना था ना कुछ करना था। वो सच है और उस सच वो सच रहेगा, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आज भी हम यही बोलते कि वो चीज है, और वो उस जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी। ये नहीं कि हम पीछे हट गए या घर बैठ गए तो हम उस चीज को भूल गए, और सिर्फ वो दिखाने के लिए कि हाँ ये गलत था और ये गलत, नहीं बिल्कुल नहीं। हम हमारा आज भी यही है, अगर आप कोई भी इंटरव्यू या कहीं भी अगर आप उठा के देखोगे तो हम आज भी उस चीज को मना नहीं करें, हम आज भी लड़ेंगे। अगर अगर हमें फिर से अगर रोड पे बैठने की या उस चीज पे, हम फिर भी तैयार है। पर अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है तो उसमें बिल्कुल ऑफकोर्स टाइम लगेगा, और आपको पता है सरकार हमारी गवर्नमेंट कैसी है, अगर गवर्नमेंट इतना टाइम लगा रही है तो बिल्कुल, क्योंकि अभी फिर से बीजेपी आ गई है तो, और भी उसी का वो आदमी है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो टाइम लगेगा, तो वो चल रहा है। यस अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ जी चलते हैं, फ्रॉम रेसलिंग मैट टू डांस फ्लोर, आपने झलक हाँ दिखला जी वहां पे परफॉर्म किया था, तो मतलब पहले भी आप डांस कर चुके थे या आपका दिलचस्पी था ऑलरेडी डांस में, कैसा था? ओके नहीं ना, मैंने पहले प्रोफेशनल ऐसे कभी okay. डांस नहीं किया था, लेकिन घर में कभी फंक्शन होता था, शादी थी, तो ऑब्वियसली करती थी, मतलब घर में सभी में से मैं ही करती थी, मतलब जितना थोड़ा बहुत करती थी। लेकिन बचपन से मेरा एक डांस के प्रति अलग ही लगाव रहा है, अलग ही
झुकाव है। मैं हमेशा कभी कभी घर पे डांस करती थी ऐसे, मतलब नॉर्मली टीवी में देख के। जो हमारे यहाँ पे हरियाणा में एक सपना चौधरी बहुत फेमस है, तो उसको मैं देख के थोड़ा बहुत सीखती थी। हाँ हाँ जी, तो ऐसे ही करती थी मैं। पर लेकिन मेरा बचपन से था कि मैं थोड़ा डांस करूं, या मेरी इच्छा थी एक, आप ये लगा लो कि कहीं ना और वो झलक के माध्यम से मेरी पूरी हुई। ये सब एकदम अचानक से हुआ कि ना लाइफ में एक मोड़ आता है कि आपको ऐसे शो ऑफर होता है, और मैं उसको मना ही नहीं कर पाई कि नहीं, मेरे मेरे को ये भी सपना जीना है। ट्रू ट्रू। आफ्टर ऑल फुटबॉल की तो बात है, रेसलिंग में भी फुटबॉल चाहिए, डांस में भी फुटबॉल जी जी चाहिए। जी ट्रू जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। डिफिकल्ट है वो, दोनों चीज बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है क्योंकि ना। हाँ, मेरे को भी, मैं भी ऐसे ही गई थी कि चलो थोड़ा बहुत डांस तो मेरे को आता है और मैं इजीली कर लूंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही डिफिकल्ट है। रेसलिंग को आप कंपेयर करोगे डांस के साथ, नहीं बिल्कुल होगा। अपोजिट है। क्योंकि रेसलिंग में हमें स्ट्रेंथ और वो चाहिए, और उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी, मूव, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन आपको चैलेंज पसंद है तो आपको वो चैलेंज लेना ही था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रू मेरे को मेरे को यही था कि अगर मैं जा रही हूँ तो प्रूफ करके आऊं कि लोगों का मानना है कि रेसलर सिर्फ स्ट्रोंग होते हैं, या किसी को पटकते हैं, या मतलब स्ट्रोंग एक ट्रू। पर्सनैलिटी ऐसी है, ऐसी आप लड़का या वो लड़की ना, कि चेंज स्ट्रोंग होते हैं करना था। और थोड़े रूड से होते हैं ये। और तो मेरे को ये करना था कि हाँ, रेसलर भी डांस कर सकते हैं। रेसलर्स कैन ऑल्सो डांस। अभी थोड़ा अखेरे के अखाड़े जो है उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अभी बहुत सारे अपना उमदा रेसलर जो है वहां से आए हैं, उबर के आए हैं अखाड़े जो है। लेकिन थोड़ा टेक्निकल बातें पूछना है, जैसे कि अखाड़े में या मार्ड रेसलिंग का जो बात करते हैं उसमें थोड़ा अलग रहता है ना। और जब आप चैंपियनशिप लेवल में जाते हैं या नेशनल्स खेले, इवन स्टेट लेवल जो वहां पे मैट में होता है, जो आपका ट्रांजिशन होता है मड रेसलिंग टू मैट रेसलिंग, सो टू से, आई एम श्योर वो डिफिकल्ट रहता है, राइट? मतलब थोड़ा टाइम लगता है या बिल्कुल कैसे होता है, मतलब हाउ डू यू ट्रांजिशन योरसेल्फ? बिल्कुल, क्योंकि जो मिट्टी में जो रेसलिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, और वो उसको उसमें कोई टाइम जोन नहीं होता। जैसे आप दंगल वगैरह अगर देखोगे तो उसमें कोई टाइम जोन नहीं होता कि आपको टाइमिंग होता है वो, और वो स्लो भी होती है, वो कई कई 30 30 मिनट तक भी रहती है। और मैट की तो आपको 6 मिनट में सारी चीज दिखाने, सारी स्किल्स दिखाने, सारी स्पीड बिल्कुल दिखाना, और 6 मिनट में स्टेमिना ऐसा हो जाता है ना कि आप ये मान लो कि पूछो मत कितना बुरा हाल हो जाता है। लोगों को लगता है कि 6 3 मिनट इजी है, लेकिन वो बहुत लाइफ के बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है 3 मिनट के उस मैट पे खेलना। और उस मैट पे सारी टेक्निक भी अलग होती है कि और अभी अभी तो मतलब ये मान लो कि आप पिछले ओलंपिक से या इस ओलंपिक में देखोगे तो और रेसलिंग फास्ट होती जा रही है। पहले तो फिर भी स्लो थी कि पहले आप मतलब कोई पॉइंट नहीं होता था अगर आप 3 मिनट बिना अगर अटैक लगाए आप निकाल रहे हो हाथ चला के। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर आप एक एक 30 सेकंड भी अगर आप कुश्ती रोकते हो तो आपके खिलाफ 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो बहुत फास्ट हो गई है रेसलिंग अभी तो। हाँ, मतलब आप ज्यादा 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 होल्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि हाँ जी, पॉइंट हाँ जी, होल्ड करते ही आपको वही हो पैसिव मिल जाएगा और एक पॉइंट जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत स्पीड हो गई है जी। स्टिल हमें स्टिक करते हैं थोड़ा अखाड़े पे। जैसे कि अखाड़े में हम लोग देखे जो वहां पे सही में, मतलब कितना सेक्रीफाइस, मैं खुद ही थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, जो वहां पे हाँ रह जी के व्यायाम वगैरह करके खुद का खाना बना के वहां पे हॉस्टल जैसे रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, और जी सबका डिसिप्लिन एक ही है। ऐसा नहीं कि एक बंदा थोड़ा ये है दूसरा ये, मतलब सबका सबको देख के वैसे ही 4 बजे 5 बजे जी जी उठना वही करना जी है। और वहां से जैसे कि हाँ, मैं ये थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से पूछ रहा हूँ आपसे, बिकॉज यू विल बी द बेस्ट वन टू आंसर। वहां से ऑब्वियसली कोई कोई ओलंपिक्स खेल सकते हैं, कोई कोई वो लेवल कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स हो गया वहां तक जा सकते, लेकिन बाकी लोग जो है जो उतना सेक्रीफाइस करते हैं, ऑब्वियसली वो तो दिल से आना होगा, कोई तो उनको ये नहीं बोल सकता हाँ तुमको ये करना है, वो तो पूरा एकदम दिल से बिल्कुल जाके करते हैं क्योंकि उनका वो एक रहता है इनबिल्ट, है ना। लेकिन ऐसा माहौल में जबकि उन्होंने खुद का जॉब सेक्रीफाइस करके वहां पे रह के प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग जी करके, और या कोई किसका एजुकेशन रुका के वहां पे ट्रेनिंग किया है, तो जी उनका बैकअप क्या रहता है इन द लॉन्ग रन? बिकॉज ऑन ए प्रैक्टिकल लेवल ऑब्वियसली उसमें तो गिने चुने लोग ही वहां तक पहुंच, बिल्कुल बिल्कुल ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स, तो उनका जो है एज ए बैकअप इतना सेक्रीफाइस करने के बाद क्या रहता है, मतलब डाउन द लाइन?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि रेसलिंग वो लोग मतलब रेसलिंग में मोस्टली आप अगर देखोगे तो बिल्कुल ही जो मिडिल क्लास फैमिली है या उससे भी बेचारे जो कम है वो अपने बच्चों को डालते हैं ना, जो जिसके मम्मी पापा फार्मर है या मम्मी हाउस वाइफ है वो लोग ये है कि क्योंकि उनका घर का दूध होता है और घी होता है कि ये है कि एक पहलवान मतलब हम खिला इतना तो कर सकते हैं ना, दूध घी खिला सकते हैं और हमारा पहलवान बन सकता है ना, तो वो इसीलिए उनको रेसलिंग में डालते हैं। और रेसलिंग में इसलिए भी गांव के लोग इसलिए भी डालते हैं ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई खेल ही नहीं है नियर बाय ना, कोई एकेडमी ही नहीं है। अगर आपका बच्चा और कोई स्पोर्ट करना चाहेगा तो नियर बाय वो है ही नहीं, अगर दूर भेजेंगे तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए उनको भी कि रेसलिंग में बहुत सारे अखाड़े हैं तो वहां पे रोज अप डाउन कर सकते हैं घर पे से, तो वो इसलिए डालते हैं। और बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और कभी कभी तो आप जैसे आपका टाइम आता है खेलने का आप सीनियर में जाते हो, इंजरी हो जाती है तो लाइफ का उसका भी बहुत बड़ा रिस्क है ना, आपको पता ही नहीं। आप सब कुछ एक फैमिली अगर बच्चे को सब कुछ दाव पे लगा के उसको पहलवान बना रही है रेसलर बनानी है और उसको इंजरी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में ना, वो फिर वो पढ़ाई भी वो छोड़ देता है ना कि मेरे को पहलवान बनना है तो सिर्फ पहलवानी पे मैं फोकस करता हूँ, तो वो भी छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, और मतलब मैं तो ये सरकार को भी ये बोलना चाहूंगी ना कि गवर्नमेंट को ग्राउंड रूट्स पे हमें बच्चों को सुविधा देना ताकि पेरेंट्स का भी थोड़ा बर्डन कम हो और उनकी हेल्प हो कुछ ना कुछ, या ऐसा तो कि वो जॉब लग जाए या उसको, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है जो खर्चा होता है घर निकाल के जो मम्मी पापा का उसको खाने पीने में लगा देते हैं, तो मतलब सरकार भी जब ही साथ देती है जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो ना ओलंपिक्स या वर्ल्ड में तभी आपको सुविधाएं मिलती है, तभी आपको कोचिज मिलते हैं, तभी आपको मतलब खाने पीने के आप सप्लीमेंट्स मिलता है, तभी आपको फिजियो मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर हमारे स्पोर्ट्स में रेसलिंग ही नहीं मतलब मोस्टली जो गांव से स्पोर्ट्स निकलते हैं मोस्टली हरियाणा से जो भी, तो उनको ग्राउंड रूट्स पे अगर सुविधाएं मिल जाए ये बेटर स्टेडियम बन जाए तो मुझे लगता है कि हमारे एथलीट्स बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा और बच्चे निकल जाएंगे और ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बस यही है कि कोई इंजरी के कारण अगर आपको किसी को इंजरी हो गई तो उनको पता ही नहीं है किसको दिखाना है किसको नहीं, अगर वो अगर एक 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 टीम के साथ एक फिजियो भी रखे अगर ग्राउंड पे तो उनको काफी हेल्प हो जाए, तो बस यही है कि मतलब उनको बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि है ना उस लेवल से पहुंचने से पहले ही वो एक कदम पीछे रह जाते हैं तो। और हमारे हमारे देश में बहुत टैलेंट है, बस सिर्फ उसको थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत है, और फिर तो आप ये मान लो कि टॉप नंबर वन पे अगर आएंगे तो भारत में क्या आएंगे, क्योंकि हमारे इंडियंस इतनी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि हम पूरी ओवर और पूरी कंट्री घूमे हैं, तो हमसे ज्यादा कोई हार्ड वर्क किसी कंट्री में भी नहीं है, तो अगर हम रहते हैं तो सिर्फ उन सुविधाओं की वजह से उन उन सप्लीमेंट्स की वजह से उनको प्रॉपर डाइट ना मिलने के कारण हमारे बच्चे रहते हैं। एब्सोल्युटली या हालांकि मे बी अभी जो स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया उसमें काफी तरक्की आया है मे बी, मतलब हाँ एटलीस्ट उसमें ग्रास रूट लेवल का बात कर रहा हूँ, वहां पे जैसे कि हम लोग पहले ही इतना फॉलो नहीं करते स्कूल गेम्स या खेलो गेम्स, अभी मे बी उसमें थोड़ा बहुत हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है ये साई जो हॉस्टल फैसिलिटीज अभी कहने की बात है पहले से बेहतर हुआ है इन मतलब टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर साई का जो है हॉस्टल वगैरह, ये थोड़ा अपर हाँ ऐसे मैं अलग बात कर रहा हूँ बट थोड़ा जी लिमिटेड। नहीं क्योंकि मतलब वो मतलब सरकार ने तो वो निकाल रखा है कि खेलो इंडिया में खेलो, आप अगर फोर्थ पोजीशन तक आओगे तो आपको हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे आपको रहने के लिए, सेंटर मिलेगा आपको हॉस्टल मिलेगा, पर वो बच्चों तक नहीं मिल रहा है, वो किसी को पता ही नहीं है, वो किसी बच्चे तक पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब हमारे देश में करप्शन इतना है कि वो बच्चों तक आ ही नहीं रहा है, वो कहने के लिए खेलो इंडिया है वो है पर बच्चों तक असल में वो चीज आ ही नहीं रही, वो सुविधाएं उनको मिल ही नहीं रही, वो फिजियो उसमें फिजियो भी है आपका ट्रीटमेंट भी अगर आपको इंजरी होती है वो भी है, पर वो बच्चों को मिल ही नहीं रहा, तो उसका क्या फायदा अगर आप डायरेक्ट बच्चों से, क्योंकि इतना करप्शन है उससे बात करो उससे बात करो तब आएगा, अगर आप डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में अगर वो करते तो और अच्छे ऊपर के आएंगे और बच्चे हमारे वो करेंगे। ट्रू श्योर यस या बहुत सही बात कही आपने। अभी थोड़ा रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ जी वैसे भी आप लोग अबाउट 3 3 मिनट 5 मिनट खेलते हैं तो रैपिड फायर होता है तो आपको क्या लग रहा है ये ओलंपिक्स में इंडिया को कितने मेडल्स हम लोग कितने मेडल्स लाएंगे, मतलब कुल मिला के ये गोल्ड सिल्वर का बाइफर्केशन मैं नहीं पूछा। देखिए
दुआ तो हमारी यही कि एंड जितने भी हमारे खिलाड़ी गए हैं ना, सबका मेडल आए। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि अब की बार हमारे कम से कम ट्रिपल तो होने हैं, लास्ट टाइम से ट्रिपल टेन उम्मीद है हमें पूरी की है ना, ओके ट्रिपल्स का। ट्रिपल हाँ वाह या सो दैट मींस डबल फिगर से ऊपर हो जाएगा अपना या श्योर श्योर उम्मीद है। जी आप हरियाणा से हो, जैसे कि जी हम लोग हिंदी में कभी गुस्सा में हो या कुछ ये ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, हाँ यार चलना यार, तो आपका हाँ हरियाणवी हाँ फेवरेट या रेडीमेड सेंटेंस क्या है, मतलब जो सबसे पहले आपको दिमाग में आता है गुस्सा में हो या कहीं पे भी यूज करते हाँ हैं ओके, मतलब कि अच्छा है या मतलब कि कुछ भी गुस्से हो को सकता है। है, हाँ आप डिसाइड मतलब करो क्या बोलना है हरियाणा। आप ऐसे बोलते हो कि चलो यार चलते हैं, तो हाँ हमारे यहाँ हाँ मतलब हमारे यहाँ पे नॉर्मली में ऐसे बोलते कि बुंडी शक्ल के चल लेना है। अच्छा मतलब कि आपकी शक्ल मतलब अच्छा बेकार है, तो चाल मेरे अच्छा साथ ओके 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 वो काफी यूज शक्ल। करते हाँ जी हाँ जी, बहुत हैं नॉर्मली कैजुअल वर्ड है। मतलब बहुत कैजुअल बहुत नॉर्मल हो। ग्रेट 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 ओके श्योर। आपका फेवरेट डिश? दाल चावल। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ बजरंग पूनिया में ऑब्वियसली बहुत बहुत सारे अच्छी जी क्वालिटीज है, लेकिन ऐसा एक जी क्वालिटी बताइए जो आपको सबसे पसंद है। वो मतलब बहुत ही काइंड टाइप के पर्सन है, और एक मतलब कि सच्चे इंसान है। सबसे बड़ा अगर मैं उनका, तो वो मतलब सच के खिलाफ, और वो सच के अलावा कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते, तो मतलब बिल्कुल वो उस पर्सनैलिटी है उनकी। ट्रू वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ए वेरी अपराइट पर्सनैलिटी, मतलब या जो सच है या वो उसके साथ ही वो ये रहेंगे। सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसमें। हाँ श्योर। रेसलिंग ऑब्वियसली आपका फर्स्ट पैशन है, जी फर्स्ट जी मतलब जी तो उसके बाद क्या हो सकता है आफ्टर और रेसलिंग? उसके बाद इसका अगर कीमत बहुत मैं, होगा ऑब्वियसली, रेसलिंग तो कोई हाँ बहुत जी है तो जी उसका कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, बट आफ्टर या रेसलिंग क्या हो सकता है? आफ्टर रेसलिंग अगर मुझे बॉलीवुड में या कहीं जाने का मौका मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगी मूवी में, या कुछ मेरा भी फैशन है कि मैं एक्टिंग या डांसिंग कहीं और कर सकूँ तो। वाओ ग्रेट ग्रेट श्योर या यू कैन। तो उसी सिलसिले में आपका फेवरेट एक्टर कौन है, चाहे कि सलमान खान, अच्छा सलमान खान ओके एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। ओ ओके 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 ग्रेट या ग्रेट ग्रेट। और आपका फेवरेट मूवी? दंगल। अच्छा बहुत वैसे नहीं, पर वो बहुत मतलब हमारे दिल को नहीं भी मतलब नहीं सही दिल के नियर बाई है जस्ट, मतलब उसके अलावा कुछ है। वो बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरा, जब वो मैंने सिंग दैट मूवी ना, सिर्फ मेरा ही नहीं आजू बाजू भी आई कैन फील इट, जी मतलब वो गूज बम रहता है ना बिल्कुल सही में, मतलब वो मूवी तो कुछ अलग ही है मतलब सही में, और इट्स ए रियल लाइफ स्टोरी ना इसलिए ज्यादा हम लोग रिलेट कर यस पाते हैं, और ऐसा नहीं कि जी। दंगल और नहीं हम या जब भी देखते तो हमारी मतलब हाँ पूरी कहानी, हमारी जो बचपन ट्रू की जो सारी एकदम साफ हो जाती है तस्वीर। ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली या। आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? नॉट नेसेसरीली वो रेसलर ही हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं आपके फेवरेट। सुनील छेत्री, अच्छा सॉरी सुनील छेत्री। ओ सुनील छेत्री फुटबॉल, ओके आप फुटबॉल काफी या हाँ फॉलो करते हैं, जी ओके 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 जी ग्रेट ग्रेट ओके ओके। आपको ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन दो एट अ लाइट हार्टेड वे आई एम आस्किंग यू, आपको कल अगर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना रहते हाँ जी हाँ जी तो एक ऐसा चीज जो आप पहले पहले चेंज करना चाहते हो स्पोर्ट्स में, ना स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में मैं सबसे पहले तो ना जो भी हमारे जो फेडरेशन के तहत जो भी स्पोर्ट्स में, वो ऐसे खिलाड़ी शो करना चाहूंगी जो यस यस जिसको जो हर गेम का जो एक्चुअली जिसको नॉलेज है कि क्या बेहतर कर सकती है, और हमारे बच्चों को हर गेम में कैसे आगे ले जा सकते हैं, और वो ही कर सकता है जिसने वो खेल खेला हो, वो लाइफ जी हो और उसको अचीव किया। उससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। अगर हम रेसलिंग रेसलिंग में बात करें तो कोई ऐसा खिलाड़ी, सुशील है, योगेश्वर है या साक्षी मलिक है, ऐसा एक खिलाड़ी जो कुश्ती को समझता हो, जो यहाँ से लेकर समझता वो उठा, उसने हर चीज देखी है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को समझे भी गा और उसको सही राह भी दिखाएगा, और इसके लिए जो ओलंपिक्स है उसके लिए उसको हेल्प भी करेगा।
ट्रू ट्रू, जो कि हम लोग ने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में देखा, जब राघवेंद्र सिंह राठौर जो सिल्वर मेडल जी थे, वो जब स्पोर्ट्स जी जी थे, तो आई एम श्योर देर लॉट ऑफ चेंजेस दैट ही, यस क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने ऑफ खुद ही वो कोर्स फेडरेशन के अगेंस्ट देखा कैसा सिस्टम होता है, बिल्कुल। मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन से बेहतर है ना, और अपने गेम को जो करता है कोई नहीं समझ सकेगा। आप किसी भी पॉलिटिशियन को या कितने अच्छे समझदार व्यक्ति को, आप माइंडेड से माइंडेड अगर आप मतलब उसको बिठाओगे तो उसको भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि खेल एक वही समझ सकता है जिसने वो खेला हो, जिसने वो झेला हो। ट्रू ट्रू ट्रू, सेम है। थैंक यू सो मच संगीता फोगट, थैंक यू थैंक यू आपने थैंक यू। आए यहाँ पे, आप और एक बार हम लोग इंस्पायर किया, ऑलरेडी इंस्पायर कर चुके हैं, और आई इंस्पायर थैंक यू करना सो चाहते हैं। मच, थैंक यू और सो मच, अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर पेरिस ओलंपिक, जितने भी हमारे एथलीट्स किए यस हैं, और हमारा झंडा सबसे ऊपर हो, बस यही एब्सोल्युटली, दुआ प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्नी, एंड थैंक थैंक यू सो यू। मच, एंड या ऑल्सो विशिंग अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर पेरिस बाउंड एथलीट्स, लेट्स गो, या थैंक्स थैंक्स संगीता, थैंक्स, बाय थैंक्स। बाय।